कलर कॉस्मेटिक मेबलिन फेसेस लैक्मी नाइन प्लस कलर बार स्किन केयर में ओशिया वाओ रिच फील रागा और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में पायल ब्यूटी कॉर्नर। धक्का लगने से दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। तभी फेंके। मारपीट के बाद एसिड से किया हमला। मेरे लड़के झगड़ा लड़ाई कुछ मुझे नहीं मालूम चला। एसिड हमले में 6 से 7 लोग जलकर हुए जख्मी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। धक्का लगने से दो गुटों में पहले जमकर मारपीट हुई, फिर एसिड से हमला हुआ। दो आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। इस हमले में 6 युवक बुरी तरह से जलकर जख्मी हो गए हैं। मामला महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के साई नगर का है, जहां मामूली बात को लेकर शुक्रवार को दो गुटों में तूतू मैमे हुई और धक्का लगने से बात शुरू हुई, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। किसी तरह से लोगों ने दोनों तरफ से जो युवक है उन्हें शांत कराया, मगर उसके बाद एक गुट दूसरे गुट के पास धक्का लगने और मारपीट हुई उसका जवाब लेने गया और अचानक एसिड से हमला कर दिया। एसिड फेंकने वालों की संख्या करीब 3 से 4 बताई जा रही है। एसिड से घायल युवक दर्द से चीखने चिल्लाने लगे, जिसमें 6 जख्मियों में से एक महिला भी जख्मी है। इन्हें IGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 युवकों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मेरे साथ में ही गया था वो, तभी फेंके। क्या हुआ था, कुछ मालूम पड़ा कि क्या हुआ? मेरे लड़के झगड़ा लड़ाई कुछ मुझे नहीं मालूम चला, क्योंकि मेरा लड़का मेरी दवाई के पीछे काम पे भी नहीं जाता था। क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम चला कुछ भी। कौन लोग थे जिनके साथ ये पूरा मामला हुआ है? ये पीछे रहते थे, ये लोग सब कोई हमारे वहाँ पे ही रहते हैं, तो मुझे नहीं मालूम। तो भीड़ लगी थी कि हम लोग खड़े हो गए थे कि वहाँ पे भीड़ थी, देखे तो एसिड फेंके तो मेरे लड़के के अंग पे भी आ गया एसिड। कौन एसिड कौन फेंक रहा था? लेडीज एक थी वहीं पे हैंगे, वहाँ पे रहते, हम लोग पहचान नहीं, नाम नहीं जानते, वहीं के रहने वाले, वहीं के रहने, पीछे चाल के ये हैंगे हम लोग के। कितने लोगों के ऊपर एसिड अटैक हुआ है? 4-5 जन हैंगे, 4-5 जन। वही नारपुली पुलिस जख्मियों से अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज कराई है और मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और आगे की जांच जारी है।